वेलकम बैक गाइस एंड वेलकम दी बैक। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और आज हम करने वाले हैं M24 चैलेंज। तो भाई अगर अभी आपने तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हो क्या कर रहे हो, कर दो यार। कितना टाइम वेस्ट करोगे अभी तक नहीं किए हो तो, इतना बोलने के बाद नहीं किए हो तो तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा बताओ हमको क्या कर रहे हो। तो गाइस हमारा यहाँ पे है M24 चैलेंज और जिन बंदों के साथ है, क्या पता क्यों आजकल का सर्वर इतना डाउन रह रहा है कि एक ही बंदों के साथ 10 बार मैच करवा दिया जा रहा है। तो ये वही बंदे हैं जिनके साथ मैंने पहला मैच खेला था, मतलब इससे पहले मैच जो खेला था, पर उस गेम में वो विनरिंग किए थे और इस गेम में क्या पता क्या हो सकता है। तो भाई इस गेम में भी कुछ कुछ हिंट है, तो भाई अगर अभी तक आपने कमेंट में नहीं लिखा तो जाकर लिख दो। अगर तुमको लग रहा है मैं ये गेम जीतूंगा या हारूंगा तो भाई लिख दो, और जो भी तुमको अपग्रेड चाहिए वो भी लिख दो। तो भाई कुछ ऐसा होता है, हर आदमी तो वहाँ जीतने वाला हमको मार नहीं पाएगा, तो भाई जी को एक हेडशॉट से तैयारी करते हैं और दूसरे को भी हम लोग मार देते हैं। ये जानता था कि पक्का पीछे से बंदा आएगा, इसीलिए मैं उसको राउंड ऑफ घुमाते जाता हूँ और कुछ ऐसा होता है। तो भाई देखो यहाँ से भैया जी आते हैं, भैया जी को मारने का 90% चांस, बट एआर के सामने पिस्टल वाला गन तुम चलाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो भाई हमने सिक्योरिटी के लिए एक ये वेपन लिया है, ये पिस्टल एआर वेपन लिया है, और दूसरा नेड लिया है जिसको हम लोग सिक्योरिटी के लिए यूज़ करेंगे। एज पॉइंट यू कैन यूज़ ओनली दिस टू आइटम्स। तो भाई बीच में तो हमको ग्रोजा उरोजा सब हाथ में लगता है, बट मैंने यूज़ नहीं किया था और पहले इनको डैमेज दिया, और मेरे को लगा था एआर लेके, मतलब कि इसको लेकर जाऊँगा तो मरूंगा क्योंकि एक बुलेट था, तो मैंने इसको निकाला और भैया जी को ख़त्म कर दिया क्योंकि डैमेज मैंने दिया था। तो भैया जी यहाँ पे लेटे हुए थे, इनको ख़त्म किया तो इनके साथ आया, और इतना मस्त स्ट्रैटेजी, मतलब कि इतना मस्त हुआ ना भाई। देखो बताओ एक HP पे बचा हूँ, और कसम से इन लोगों को क्या लगा, इनको जैसे मारा ना वैसे इसको किल मारा, और जैसे ही मैं लेटा वैसे गेम ओवर। तो भाई वापस हम घूम के आते हैं, बट भाई देखो M24 अगर तुम पहली बार चला रहे हो, आई एम ट्राइंग M24 चैलेंज, तो भाई कुछ ऐसा होता है जब तुम्हारे सामने बंदा हो और तुम ना मार पाओ इतना हिलने के बाद, तो कुछ ऐसा होता है। भैया जी को डैमेज दे दिया हमने और बैठ गए थे दूसरे को मार के, उसके बाद भैया जी को मारे, बट भैया जी पहले ही कूद के उधर चले गए थे, तो क्या बोल सकते हो। तो पहले हम इनको ख़त्म करते हैं और ये भैया जी को हेडशॉट पड़ा, क्योंकि भाई हमारा काम हेडशॉट मारना है और आपका काम लाइक दबाना है। तो 4 का किल चल रहा था, हमको लग रहा था भाई वही आगे है क्योंकि AR और तुम्हारा ये भाई जमीन आसमान का फर्क है अगर AR वर्सेस M24 करोगे तो। तो भाई देखो कुछ ऐसा ही हो रहा था, तो भाई वो तो भाई मार रहे हैं उनको लग रहा है। तो भाई ये भैया जी छुप गए और मैं क्या कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ स्टिक होने की, वेट कर रहा हूँ कि एक्टिंग। तब तक एक साइड से बंदा आता है, मेरी हल्की सी नज़र हल्की पैर पे जाती है, तो मैं तुरंत इधर आ जाता हूँ, फिर मेरे को डैमेज आता है। और अब बताना, जैसे मैं ये लेट गया, मान लो मैं झुक के उधर चल गया, तो पहले गोली मेरे कान के पास से जाना चाहिए था, अब मेरे को लोकेट करके जब गोली मारेगा तो ये तो गलत बात है ना। तो भैया जी को क्या पता क्या था भैया जी को, तो हम इनको इनका बदला लेते हैं अच्छा खासा, और इस बार मैं सच में बच जाता हूँ तो भैया जी को मारने का कोशिश में साइड से भी बंदा मेरे को मार देता है। तो अगर मैंने ये बंदा को पहले मैंने खत्म किया और ये बंदा को पहले मैं मतलब कि डैमेज देने की कोशिश किया, क्या पता क्यों नहीं हुआ, एक बार और दिया फिर नहीं हुआ, फिर क्या करूँ, फिर एक बार और दिया, फिर इस बार हो गया, और इस बार होने के बाद कुछ ऐसा हुआ। बताओ क्या जरूरत था घूम के आने का, आखिर तो तुम्हारा मरना तय था अगर एक बार कहीं के किसी का लिखा था। अब मेरे हाथ में ग्रोजा आ गया, पर ग्रोजा मैं चला नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अपने उसको रिलोड करना पड़ेगा, और देखो ग्रोजा मैं चला नहीं सकता और इसको हमको रिलोड करना पड़ेगा। तो इसके चलते कुछ ऐसा कार्यक्रम हुआ और मैं आगे गया, तो आगे गया तो भाई कुछ ऐसा होता है जैसे कि एक नंबर भैया इधर चल गए, हम इधर चल गए, तो कुछ फिर हमारी लड़ाई हुई, फिर एक नंबर भैया को मारा गया, फिर हम आगे गए, फिर हमको लगा कि हम इनको मार देंगे, एक बंदे थे तो हमने फिर ट्राई किया और कुछ ऐसा हुआ, फिर से मर गए ये बंदे। 11 किल का हमारा 11 किल चल रहा था, मेरे को लग रहा है वो लोग एकदम टॉप पे होगा, और मैं इन्हें बोल रहा था भाई एक और मैच हो जाने दो, अगर इन लोग बेस ले लेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये वाली जो नई गन आई है ना, इसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो मेरा ट्यूसडे चाहे मंडे को यही रहेगा, क्योंकि मैं वन डे करके बना रहा हूँ, तो एटलीस्ट एक दिन दो यार कुछ ढूंढने के लिए, और चाहे एक बार में ही वीडियो अच्छा नहीं ना मिल सकता है, उसको थोड़ा सा थोड़ा एडिट करना पड़ता है, थोड़ा अच्छे से वीडियो करना पड़ता है, तब जाके वीडियो बनता है, तो कुछ ऐसा होता है। और भैया जी को ख़त्म करते हैं, 60 किल का आर पास चल रहा था, और कुछ भैया जी यहाँ भी खत्म हो जाए, बहुत अच्छा किल रेशियो चल रहा था, इनको डैमेज लगा
तब भी क्या पता क्यों नहीं भैया जी मरे, तो कुछ ऐसा। तो भैया जी को यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया और आगे जाने के मतलब कि पूरा एकदम अच्छे से आगे गया, और भैया जी को भी बहुत अच्छा डैमेज किया, बट क्या पता था कि खिल चोर ही हो जाएगा गुरुजा से और पीछे से बंदे मार देंगे। तो भाई उसके बाद कुछ ऐसा होता है, और उसके बाद मैं नहीं सोच के गया था कि मैं कोई बंदा को मारूंगा, मैं सोच के ये गया था कि भाई 98-96 कर दिया ये लोग, मतलब कि अब गेम इन्हीं लोग का है, और बीच में मेरे को ये भैया जी मार दे रहे हैं। अब मैं जब उन लोग की ओर जाऊंगा तो कुछ ऐसा होगा। तो भाई जब मैं उन लोग की ओर जाऊंगा तो मैं सोचूंगा कि भाई देखो 51 का टारगेट हो रहा है, तुम लोग ले लो भाई बेस, क्योंकि 51, बट नहीं। तो मैंने क्या किया, जब उधर से बंदा आया ना तो मैंने अपना गन अंदर कर लिया और वेट कर रहा था टीम अप करने का, और मैं नाचने गया तो फिर भाई ये भैया जी का प्रचार हो गया, तो मैं क्या करता, आप तुम नाच भी नहीं सकते हो। तो दैट्स इट्स फॉर टुडे गाइस। अगर आपने आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और गाइस गिव अवे अभी भी चल रहा है, जल्दी से जाके पार्टिसिपेट कर लो। चलो बाय बाय गाइस।